गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे थे, और लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके एप्लीकेशन हमने बताए थे दैट इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे यूज करते हैं, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का अलग अलग जगह पर, कई जगह पर यूज होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को कई सारे डिवाइसेस में यूज किया जाता है। नाउ हमने कहा था इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट हमें देखना है, समझना है, हमने पहले ये देखा कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग करंट इन अ कंडक्टर, देन इट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हमने डिटेक्ट कैसे किया, हमने उसके पास एक कंपास प्लेस किया, ठीक है, और हमने देखा कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस कंपास नीडल पर कुछ फोर्स लगा रही है, उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। सो नेक्स्ट जो हम अब करना चाहेंगे, अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखना चाहेंगे, जो ऑब्जर्व करना चाहेंगे, वी वॉन्ट टू सी वेदर अ मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऐसा होना चाहिए। अगर एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स लगा रहा है, तो एक मैग्नेट जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाना चाहिए, ठीक है। सो हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक करंट कैरिंग वायर के पास, एक मैग्नेट लेकर आते हैं, और फिर देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर कुछ फोर्स लगाती है या नहीं लगाती है। सो दैट इज आवर नेक्स्ट आर्टिकल। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर placed in a magnetic field. Force on a current carrying wire placed in a magnetic field. Now, before going on to this topic, इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल और मैं यहां पर लेना चाहूंगा, दैट हाउ डू वी प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहें तो हम कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मीनिंग है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल, इस तरह की अगर लाइंस है देन दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। If the magnetic lines of forces
ठीक है, और इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट देन इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जैसा हमने सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर देखा था, हमने कहा था करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है दैट इज ऑलमोस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है. नाउ अगर हम मैग्नेट्स को यूज करके, अगर हम मैग्नेट्स को यूज करके इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहें फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो हम किस तरह से जनरेट करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं उसको देखते हैं. हम क्या करते हैं, हम एक हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं. हम एक हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं. हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेट सिंपल जो हॉर्स शू, ठीक है, जो घोड़े की नाल होती है उस शेप में बना हुआ होता है. तो उस मैग्नेट को जब हम देखेंगे तो उसका शेप कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, उसका कुछ इस तरह का शेप होता है. यहां पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. इस तरह से उसके दोनों एंड्स पर पोल्स होते हैं. एक जगह पर नॉर्थ पोल होगा, एक जगह पर साउथ पोल होगा. ठीक है, नाउ हमने क्या बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर एंड होती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल. अब यहां पर तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल आमने सामने ही है. ठीक है, तो यहां पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी वो कुछ इस तरह की होंगी. ठीक है, सो इन दिस रीजन, इन दिस स्मॉल रीजन वील फाइंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म. इस जगह पर जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म दिखेगी. ठीक है, सो अगर हमें मैग्नेट्स का यूज करके, अगर हमें मैग्नेट्स को यूज करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है तो हम जनरली एक हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं इस तरह का, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल आमने सामने होते हैं, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इस तरह से हमें दिखती है. एंड इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म. फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन टेक इट एज यूनिफॉर्म, हम उसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं. ठीक है, नाउ हम ये सब चीजें क्यों देख रहे हैं, बिकॉज जो हमारा अगला आर्टिकल है उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. हम अगले आर्टिकल में चाहते हैं ये एनालाइज करना दैट व्हाट इज द फोर्स. ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर क्या फिनोमेना हमें देखने को मिलता है. ठीक है, ये चीज हम यहां पे देखना चाहते हैं. सो हम एक सेटअप बनाते हैं. हम क्या सेटअप करते हैं उसको ध्यान से देखें. ठीक है, हम एक वायर लेते हैं, करंट कैरिंग वायर लेते हैं जो इस तरह से मान लो बोर्ड के अंदर जा रहा है, जो इस तरह से बोर्ड के अंदर जाता हुआ
है, ठीक है. सपोज लाइक दिस, इस तरह से हमने एक वायर लिया है, ठीक है, इसको थोड़ा इसमें हमने करंट पास करवाया है, इस वायर में करंट पास हो रहा है. और फिर हम क्या करते हैं, हम इस वायर को, जैसा हमने कहा है, हम इस वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है. वी वॉन्ट टू प्लेस दिस वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो हम यहां पे फिर एक मैग्नेट प्लेस कर देते हैं, ये हॉर्सशू मैग्नेट प्लेस कर देते हैं. समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का सेटअप है. मतलब ये जो मैग्नेट है ये तो इस बोर्ड के प्लेन में ही रखा हुआ है, ठीक है. ये मैग्नेट जो है इस बोर्ड के प्लेन में ही रखा हुआ है, बट जो वायर है वो इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है. जो वायर है उसमें इस तरह से करंट पास हो रहा है, ठीक है. वायर में हमने कुछ सेटअप लगाकर करंट पास करवाया है, ठीक है. सर्किट में हमने की लगा दी, ये एक सेटअप हमने किया है सिंपल सा, टू एनालाइज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है. नाउ एज सून एज वी पास द करंट इन दिस सर्किट, हम जैसे ही इस सर्किट में करंट पास करवाते हैं, व्हाट वी सी इज दैट द वायर, द करंट कैरिंग वायर, जिस वायर में ये करंट जा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वायर, वो वायर जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, इट स्टार्ट्स मूविंग, वो मूव करने लगता है, ठीक है. ये जो वायर है हम ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये वायर मूव करने लग जाता है, इट स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है. इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है. नाउ दिस डेफिनेटली शोज, दिस डेफिनेटली इंप्लाइज दैट द मैग्नेट और द मैग्नेटिक फील्ड हैज एक्सर्टेड सम फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर. यहां पर जो इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड्स होगी, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड्स,
हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये जो वायर है, ये जो वायर है इसमें मैग्नेट की तरफ एक डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। इसमें जो डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है वो इस वाली साइड पर देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ यहां पर सब कुछ जो है मैसअप हो गया है, कंफ्यूजिंग लग रहा है। हम सारी जो डायरेक्शंस हैं उनको एक बार ध्यान से वापस देखें, हम क्या क्या डायरेक्शंस बता रहे हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ बता रहे हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। करंट की जो डायरेक्शन है वो हम इनवर्ड्स बता रहे हैं, उसको मुझे इसी तरह से दिखाना पड़ेगा। 2D को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, 3D चीज को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बोर्ड पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसके करेस्पॉन्डिंग हम बोल रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है वो इस तरफ मिल रहा है। सो डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब सारी डायरेक्शंस ध्यान से एक बार इमेजिन कर लो। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट इनवर्ड है, और जो हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो लेफ्ट साइड में मिल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट इनवर्ड, डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट इनवर्ड, डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो ये डिफ्लेक्शन है वो हमें इस तरह से मिल रहा है। नाउ अगेन इफ वी मेक सम चेंजेस इन द सेटअप, अगर हमें सेटअप में कुछ चेंजेस करें तो हम ये देखेंगे कि हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। टू फाइंड आउट दैट ऑन विच फैक्टर्स, ये किन फैक्टर्स पर जो है ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है, या हम बोले ये फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। द फैक्टर्स ऑन विच दिस फोर्स डिपेंड्स, ठीक है, वो फैक्टर्स जिन पर ये फोर्स डिपेंड करता है वो अगर हम देखें तो यहां पर वेरी करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको चेंज कर सकते हैं, भाई हम एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट ले आए, एक वीकर मैग्नेट ले आए, मैग्नेट को उल्टा रख दें, ठीक है, साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, ऐसा कुछ कर दें। दूसरा हम करंट में चेंज कर सकते हैं, हम एक ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा दें, करंट को, करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ा दें, या फिर जो है हम बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दें, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें। सो देयर आर टू फैक्टर्स जिन पर ये फोर्स, ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करना चाहिए। तो पहला फैक्टर सपोज हम मैग्नेटिक फील्ड का लेते हैं, पहला फैक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड वाला लेते हैं, तो हम ये देखेंगे दैट इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स द फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है। एंड यहां पर अगेन हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट एडवांस क्लासेस में 12th में आके हम ये चीज पढ़ते हैं दैट दिस डिपेंडेंसी इज एक्चुअली अगेन लीनियरली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
जितना ज्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, अगर हम डबल कर देंगे तो फोर्स डबल हो जाता है, अगर हम हाफ कर देंगे तो फोर्स भी हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम दो पार्ट बता रहे हैं, एक तो हम मैग्नीट्यूड में अगर चेंज करते हैं, इफ स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड देन डिफ्लेक्शन इंक्रीज। सो हम बोल रहे हैं इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड देन डिफ्लेक्शन दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ इतना ही है, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज वी कैन नोट दिस डाउन दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम आगे जाके एडवांस क्लासेस में ये चीज पढ़ते हैं दैट दिस फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो मैग्नेट है इसको उल्टा कर दें, उल्टा रख दें, इसका साउथ ऊपर कर दें, नॉर्थ नीचे कर दें। So that is the second change that we can do with the magnetic field. ठीक है, on reversing the direction of magnetic field, on reversing the direction of deflection also gets reversed. On reversing the direction of magnetic field, the direction of deflection also gets reversed. ठीक है, मतलब अगर हमने इस केस में मैग्नेट को उल्टा कर दिया, अगर साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे कर दिया, तो पहले जो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा था, फोर्स इधर की तरफ लग रहा था, वो फोर्स अब इधर की तरफ राइट हैंड साइड पर लगने लग जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड चेंज दैट वी कैन मेक इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हम एक ये दूसरा वेरिएशन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकेंड फैक्टर, दूसरा फैक्टर जो है दैट इज द करंट इन द कंडक्टर। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर हम चेंज करें, वेरी करें, तो हमें क्या देखने को मिलता है, नाउ अगेन इन दिस केस वी कैन मेक टू चेंजेस, हम दो चेंजेस कर सकते हैं। एक तो ये कि हम उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज करें, दूसरा ये कि हम उसमें डायरेक्शन को चेंज करें। ठीक है, फर्स्ट वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, यहां पर हम फिर से बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देखेंगे जैसा हमें यहां पर देखने को मिला था। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, द डिफ्लेक्शन दैट इज द फोर्स also increases.
अगेन हमारे कोर्स में अभी सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है, बट इफ वी सी अगेन, अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें और आगे हम एडवांस क्लास में जो पढ़ते हैं, दैट इज अगेन सिमिलर टू दिस. द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वील सी दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. This is the first change. ये हमने सबसे पहला चेंज किया. Then similar to magnetic field, we can do the second change. हम ये दूसरा वाला चेंज भी कर सकते हैं. If we reverse the direction of current, then the direction of deflection also gets reversed. On reversing the direction of current, force also gets reverse. On reversing the direction of current, the direction of force also gets reversed. This is our second observation. ये जो है हमारा करंट को चेंज करने पे सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर फैक्टर, एक और फैक्टर होता है जिसको अगेन अभी हम यहां पर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, बट देयर इज अगेन एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही होता है. हम ये देखते हैं दैट व्हेन the direction of magnetic field, when the direction of magnetic field is perpendicular to the direction of current, agar magnetic field aur current ke beech mein 90 degree ka angle hota hai, to ye force, to ye deflection maximum hota hai. In that case the deflection is maximum. ठीक है. दिस इज अगेन एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें यह ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो हमने सेटअप किया था, दैट सपोज मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही है, लेकिन हम करंट को सपोज इस तरह से उससे 45 डिग्री पे एंगल पे रख दें या 30 डिग्री के एंगल पे इस तरह से प्लेस करें, देन वी विल सी दैट for the same value of current and the same magnet, the deflection will be less. Jo deflection hoga wo kam hoga. The deflection is maximum when they are both at an angle of 90 degree. Ye dono agar ek dusre se 90 degree ke angle par honge, at right angle, yahan bol de perpendicular to each other, then the deflection is maximum. This is our third point, ye third factor hai. That is the angle between magnetic field and current. The angle between direction of magnetic field and direction of current. Okay. Angle between
direction of magnetic field and direction of current. ठीक है, क्या पॉइंट बता रहे हैं हम यहां पे? हम यहां पर ये बात कह रहे हैं दैट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल्स और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डिफ्लेक्शन और द फोर्स इज मैक्सिमम. व्हेन मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular or we can say at right angles, okay, the when magnetic field is perpendicular or at right angles with current, perpendicular to the current, then the deflection, that is the force, is maximum. The deflection or the force is maximum. दीज आर द थ्री फैक्टर्स, ये वो तीनों फैक्टर्स हैं जिन पर वो फोर्स डिपेंड करता है. जो फोर्स हम देखना चाह रहे थे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो हमने ये जस्टिफाई किया कि उस पर फोर्स लगना चाहिए. क्यों लगना चाहिए? इट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट, अ डायरेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स लगा रहा है, तो एक मैग्नेट भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाना चाहिए. ठीक है, एंड देन हम ये फैक्टर्स एनालाइज कर रहे हैं. जो ये फोर्स लगता है, पहले उसकी डायरेक्शन को हमने समझा, हमने ये देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होती है, करंट अंदर की तरफ है, तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है, जैसा हमने यहां पर बताया. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, करंट इज इनवर्ड, फोर्स इज इन लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये जो तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये तीनों ही जो हमारे पैरामीटर्स हैं यहां पर, they are in mutually perpendicular directions. इसको हम बोलते हैं, यहां पर जो टर्म हम यूज करते हैं, they are in mutually perpendicular directions. ठीक है, mutually perpendicular direction क्या होती है? जैसे हम किसी भी रूम का जो एक कॉर्नर अगर ऑब्जर्व करें, किसी भी रूम का एक कॉर्नर, एक वर्टेक्स अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हम क्या देखेंगे? वहां से एक लाइन ऊपर जाती हुई दिखेगी और दो लाइंस फ्लोर पर नीचे एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती हुई दिखेंगी. जैसे ये अगर एक बोर्ड हम देख रहे हैं, तो यहां पर एक लाइन हम ऐसी बनाएंगे, एक लाइन ऐसी बनाएंगे और एक लाइन बाहर आती हुई बनाएंगे. ठीक है, जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बताते हैं, जो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं. एक्स एक्सिस वाई और जेड के परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस एक्स और जेड के, जेड एक्सिस एक्स और वाई के परपेंडिकुलर. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है,
तो हम जो केस हमेशा यहां पर पढ़ेंगे, जो हम केस यहां पर आगे देखेंगे, जिसका हम एप्लीकेशन आगे देखेंगे, वो हमेशा यही वाला केस होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो. ठीक है, वी विल ऑलवेज कंसिडर दिस केस ओनली इन विच द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, नाउ हर बार हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं देख सकते कि भाई कहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, कहां पर फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है, वैल्यू तो अभी हम नहीं देखने वाले. जैसा मैंने बता रखा है, इस चैप्टर में हम कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं देखेंगे. वी विल नॉट सी एनी फॉर्मूला, एनी थ्योरम्स, ऐसा हम कुछ भी नहीं देखेंगे. बट यहां पर एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, यहां पर जो है डायरेक्शंस और किस तरह से वैल्यूज चेंज होती है, उनका ट्रेंड हम हमेशा जरूर देखेंगे. सो वी विल नॉट बी एबल टू टेल दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, बट हम एक मेथड ऐसा डिवाइस करेंगे जिससे हम ये जरूर बता पाए कि ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, ये हम जरूर यहां पर देखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे. नाउ फॉर दैट वी हैव अगेन वन रूल, हमारे पास फिर से एक रूल है. जैसे हमने इसके पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, कंडक्टर के लिए बताया था, देयर इज अ राइट हैंड थंब रूल, वैसे ही हमारे पास यहां पर एक रूल है जिसको हम बोल देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. उसको हम बोल देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है. Now, what is this rule? ये Fleming's left hand rule क्या है? सबसे पहली बात तो यहां हम बोल रहे हैं ये left hand rule है. So, unlike the right hand thumb rule, अब हमें यहां पे left hand use करना है, ये चीज ध्यान रहे. ठीक है, और आगे इस चैप्टर में हम एक और रूल देखेंगे which is called the Fleming's right hand rule. तो हमेशा ये चीज ध्यान रहे कि कहां पर कौन सा रूल लगाना है, कहां पर कौन सा हैंड यूज करना है. क्योंकि अगर हमने हाथ गलत यूज किया, राइट की जगह लेफ्ट यूज किया, लेफ्ट की जगह राइट यूज किया, तो हमेशा हमें डायरेक्शंस उल्टी मिलने लगेंगी, रिवर्स मिलने लगेंगी. ठीक है, सो व्हाट इज दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यही जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field. कैसे हम determine करते हैं
उसको अब समझे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग दिस रूल, ये रूल हम कैसे लगाते हैं, उसकी क्या स्टेप्स हैं। द फर्स्ट थिंग वी डू, जैसे हमने वहां पर क्या किया था, हमने हमारे हैंड को, हमारी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच किया था कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। वैसे ही अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम हमारे लेफ्ट हैंड की ये दो उंगलियां, द फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर एंड द थंब, ठीक है, स्ट्रेच द फोर फिंगर, द इंडेक्स, द मिडल फिंगर एंड द थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्ट्रेच द फोर फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें दिखनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। फाइन, सो हम ये बोल रहे थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या करना है, स्ट्रेच द फोर फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ सेकेंड स्टेप जो हम करते हैं, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, हम ये करते हैं दैट अलाइन, इसी स्ट्रेच्ड पोजीशन में हम फोर फिंगर को, हमारी फोर फिंगर को अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अलाइन योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अलाइन योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द सेकेंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप, अलाइन योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, अलाइन योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इस तरह से हमारा हाथ हो जाएगा। इस वाले केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड नीचे बताई थी और जो करंट की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ थी, सो वो अंदर की तरफ आ जाएगी। फोर्थ स्टेप, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वी कैन से डिफ्लेक्शन, द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक बार पूरी चीज को नोट कर लो, फिर इसको अप्लाई करके देखना, समझ में आएगा फिर, ठीक है। फर्स्ट हमने कहा स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेफ्ट हैंड। सेकेंड स्टेप, अलाइन द फोर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलाइन मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, अलाइन मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फोर्स इज गिवन बाय द थंब, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द थंब। ठीक है, सो यहां पर दो चीजें खास ध्यान रहे ये रूल लगाते वक्त, ये लॉ, ये रूल यूज करते वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ये याद रहे कि लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड अगर यूज किया डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगी, बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन मिलने लगेगी। देन हमें ये याद रहना चाहिए कौन सी फिंगर को किस डायरेक्शन में रखना है, कौन सी फिंगर क्या डिनोट कर रही है, दैट इज द सेकेंड थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर।
फोर फिंगर जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करनी है, मिडल फिंगर जो है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में अलाइन करनी है, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो जाता है. इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कंडीशन हमने क्या रखी है? द कंडीशन इज दैट द करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, तभी हम ये रूल लगा सकते हैं. एंड सेकेंडली द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म. जो हमने बताया था, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, वरना अलग अलग जगह पर जो है हमें अलग अलग एंगल मिलेगा, अलग अलग एंगल मिलेगा तो हम ये रूल नहीं लगा सकते फिर, ठीक है. सो दिस इज ऑल आज का जो हमने आर्टिकल लिया था उसमें यही सारी चीजें हैं. फिर नेक्स्ट जो हमें देखना रहेगा, इसका एप्लीकेशन देखना रहेगा. इसका जो एक सबसे बड़ा मेजर एप्लीकेशन है दैट इज द मोटर, डीसी मोटर. डीसी मोटर किस तरह से वर्क करती है वो हमें समझना रहेगा, बिकॉज इट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पर वो काम करती है, ठीक है. और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम वो देखेंगे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, उसको हमें काफी ध्यान से समझना होगा, उसका पूरा मैकेनिज्म, पूरा सेटअप समझना होगा. तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट आर्टिकल, वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा. और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोटर, डीसी मोटर पढ़ेंगे, ठीक है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज का लेक्चर.